हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी बिना मावा, बिना दूध और बिना मिल्क पाउडर के। ये बहुत जल्दी बन जाता है और कलर तो बहुत ही अच्छा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। मैंने यहाँ 2 किलो गाजर ली है, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे छील लेंगे, आगे के पोर्शन को हल्का सा कट करेंगे। ये पीछे का जो पोर्शन है ना, इसको हम छोड़ देंगे, इससे कद्दूकस करने में हमें आसानी होती है। इस तरह सारी गाजर हम छील लेंगे। तो अब मैं यहाँ इसको कर रही हूँ कद्दूकस, और कद्दूकस करने के लिए मैं ये मोटी वाली साइड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बारीक वाली साइड से भी कद्दूकस कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट का पोर्शन बचा है ना, इसको हम फेंक देंगे और इसी तरीके से सारी गाजर कद्दूकस कर लेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून भर कर हम देसी घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और गाजर का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, और देखिए गाजर ने अपना जूस भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब इस जूस को हमें सुखाना है, तो हम इस गाजर को और पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 200 ग्राम चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे। देखिए चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और हमारा जो हलवा है वो भी लिक्विड जैसा हो गया है। तो अब हमें इसको फिर से सुखाना है, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। मैंने ली है यहाँ पे भारी तले की कढ़ाई, इसलिए मैंने फ्लेम को हाई रखा है। अगर आपकी कढ़ाई हल्के बॉटम की है तो आप उस फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही आप अपने हलवे को पकाएंगे। हलवा अच्छे से भुन गया है और सारा लिक्विड भी सूख गया है। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर। मैंने इस पनीर को हाथ से ही क्रश कर लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़े से काजू मैंने लिए हैं, जिनको मैंने घी में रोस्ट कर लिया था, क्योंकि रोस्ट किए ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर ना बड़ा ही अमेजिंग आता है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये पूरी तरीके से सूख चुका है, अब बारी है इसको सर्व करने की। तो लीजिए, गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।